बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां जबलपुर के खमरिया में बना देश का सबसे बड़ा लॉन्ग प्रूफ रेंज, जिसमें देश की सबसे बड़ी गन सारंग और धनुष तोप की फायरिंग से औपचारिक शुभारंभ किया गया। आधुनिक तकनीक से लैस है टेस्टिंग रेंज, जिसमें आधुनिक तोपों की फायरिंग और सटीक निशाने की जांच होगी। इस फायरिंग रेंज के तैयार होने से रक्षा मंत्रालय को 100 करोड़ की बचत होगी, जिसमें तोप बनाने, अपग्रेड कराने और परीक्षण कराने वाला देश का एकमात्र शहर बना है जबलपुर। भारतीय सेना में खुशी का माहौल है, तो देश की सबसे बड़ी गन सारंग से औपचारिक शुभारंभ किया गया और इसका परीक्षण भी किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार अरविंद दुबे फोन लाइन पे जुड़ गए। अरविंद, इस गन की क्या खासियत है? देखिए, गन की बहुत बड़ी खासियतें तो काफी हैं, क्योंकि पूरे एशिया में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। दरअसल ये आज का जो कार्यक्रम है भारतीय सेना का, वो लॉन्ग प्रूफ रेंज का था। ये देश का सबसे बड़ा टेस्टिंग रेंज बन गया है तोपों के लिए, और इसकी खास बात यह है कि इसमें पूरी तरह से आधुनिक है, कंप्यूटराइज है, और इसमें अब किसी भी तरह से कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी तोप लाकर यहाँ पर अब टेस्ट की जा सकती है। अभी तक परेशानी ये थी कि यहाँ पर तोपें बनती तो थी, लेकिन उनके टेस्ट के लिए उन्हें ओडिशा के बालासोर मिसाइल टेस्टिंग रेंज में ले जाया जाना पड़ता था, और वहां जाके कई महीनों की टेस्टिंग के बाद फिर ये पता चलता था कि वो कितनी सफल है कितनी असफल है। इसमें काफी बड़ा रकम खर्च हुआ करती थी रक्षा मंत्रालय की। तो अब ये सारी चीजें बच गई हैं, क्योंकि अब जबलपुर में देश का सबसे बड़ा लॉन्ग टेस्टिंग रेंज बन गया है और यहाँ पर सभी तरह की तोपों की टेस्टिंग हो सकती है। प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए बचेंगे रक्षा मंत्रालय के, इसलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय सेना के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए। और यहाँ पर सबसे लेटेस्ट जो गन है वो सारंग और धनुष, उसकी आज सुबह यहाँ पर टेस्टिंग करके औपचारिक रूप से इस एलपीआर का उद्घाटन किया गया। हालांकि ये बहुत समय से यहाँ पर टेस्टिंग रेंज रहा है, लेकिन बहुत छोटा था और वो इतना आधुनिक नहीं था, लेकिन अब ये देश का सबसे बड़ा रेंज बन गया है। और सबसे खास बात जबलपुर के लिए ये हो रही है कि यहाँ पर तोप बनती है, यहाँ पर कुछ अन्य तोपों का अपग्रेडेशन का काम होता है और अब परीक्षण का भी काम होता है। न केवल भारतीय तोपों के परीक्षण यहाँ पर होंगे, बल्कि विदेशी सेनाएं भी अपनी तोपें यहाँ पर भेजकर उनका टेस्ट करा सकती हैं। ये बड़ी उपलब्धि है और भारतीय सेना के लिए गर्व की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।